के प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल फाइव सेंसेस, एके टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिनभर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले, वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से एक अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। शाहपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने मां बेटी को मारी गोली, मां की हुई मौत। चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले दो शातिर चोरों को तिवारीपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरओ व एआरओ की प्रवेश परीक्षा 49 केंद्रों पर हुई संपन्न। गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे तीन शातिर शराब माफियों को तिवारीपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। शातिर मोटरसाइकिल चोर को चोरी की गई पल्सर के साथ खोराबार पुलिस ने किया गिरफ्तार। शाहपुर थाना क्षेत्र के बशारतपुर पानी टंकी के पास बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने मां बेटी को दिन दहाड़े गोली मार दी। घायल अवस्था में मां और बेटी को बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां मां की मौत हो गई और गंभीर रूप से घायल बेटी का इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे डीआईजी राजेश मुंडक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार ने घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण कर स्थानीय लोगों से घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ रत्नेश सिंह, फॉरेंसिक टीम व शाहपुर थाना प्रभारी मौजूद रहे। भगवान जरे बेटी सेफ रहे तो वो बता सके बात हुई सर मेरे अभी तो उसका डिस्टर्ब करना ठीक है। और बच्चों की तबीयत ठीक है ना? कितने निकलवाई? क्राइम की डिटेल और बाउंड्री का क्या विवाद है वो भी निकलवाई? सिविल वार्ड भी रास्ते पर मेजर के घर के जानों पे और सिविल वार्ड भी मेजर ने जानों पे सिविल वार्ड मेजर कुछ प्रॉपर्टी का काम कर रहा है जिसमें कितने विवाद है प्रॉपर्टी कितने काम माफार में काम कर रहा है वो भी निकाल लो। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डीआईजी राजेश मोडक ने बताया कि 40 वर्षीय देवेना मेजर व 16 वर्षीय डॉल्फिन मां के साथ ननिहाल जा रही थी कि तभी अज्ञात बदमाशों ने मां और बेटी को गोली मार दी, जिसमें डॉल्फिन की मां की मौत हो गई।
तीन या चार राउंड फायर हुए, उसमें जो लेडी थी जो बिटिया की माता थी उसको गनशॉट इंजरी से उसको हॉस्पिटल में जाने के बाद उनको डेथ डिक्लेयर किया गया है। बेटी अभी ठीक है, उनको आईसीयू में रखा गया है और जैसे कि अभी खबर मिली है शी इज़ आउट ऑफ डेंजर। तो ये एग्जैक्टली घटना क्या है अभी पता नहीं चल पाया है, हो सकता है इसमें कोई प्रॉपर्टी या फैमिली या कोई भी मैटर निकला है, लेकिन अभी हमने जो बेसिक पूछताछ की है इसमें अभी पूरा क्लियर नहीं हो पाया है। तो जल्दी ही हम इसको क्रैक करेंगे और ये हमारी बहुत टॉप प्रायोरिटी की लिस्ट है बिकॉज इसमें महिला के विरुद्ध अपराध हुआ है, तो हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी वर्कआउट हो। हमारे एसएसपी जो गोरखपुर है उन्होंने अपने तरफ से 3-4 टीमें इसमें तुरंत ही लगा दी है और कुछ लोगों से हम बात भी कर रहे हैं, उनसे इंटरोगेशन कर रहे हैं कि ये घटना क्या है एग्जैक्टली, और जल्दी हम इसका खुलासा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है अपने गोरखपुर की टीम पे कि वो इसको जल्दी ही वर्कआउट करेंगे। नियर फ्यूचर में कभी ऐसी तरह की घटना नहीं हुई है, ये अपने आप में एक अलग घटना है और हमको पूरा विश्वास है हम इसको जल्दी वर्कआउट। कितनी गोली लगी है सर, किसको क्या? जो महिला है उनको 2 गोली लगी है और बिटिया को 1 गोली लगी है। एग्जैक्ट डिटेल डॉक्टर बता पाएंगे और भी, लेकिन इस तरह की घटना। 15 सितंबर को तिवारीपुर थाना क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को तिवारीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 20 वर्षीय निखिल वर्मा तिवारीपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, तो वहीं 22 वर्षीय संदीप गुलरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। इस संबंध में क्षेत्र अधिकारी कोतवाली बीपी सिंह ने बताया। तीन चोर पकड़े गए हैं, इन्होंने एक सौरभ जी हैं, उनका डीजे वगैरह का काम है, 2 डीजे इन्होंने चुराया था जिसका अभियोग पंजीकृत था, और ये बेचने की फिराक में थे कि थानाध्यक्ष तिवारीपुर और उनकी पुलिस द्वारा इन्हें माल सहित पकड़ा गया है, और चोरी गए सामान की कीमत लगभग 70,000 से कम की नहीं है, और इसको लेकर के वादी मुकदमा बहुत ही प्रसन्न है। कारण ये था कि इनका जो रोजगार था वो कमज़ोर हो रहा था और इस स्थिति में ये बरामदगी हुई है, और उन्होंने भी पुलिस के इस कार्य की सराहना की है। शातिर किस्म के चोर हैं संदीप और निखिल वर्मा, जिन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर, इनका कोई अपराधी इतिहास पहले का है और क्या? इसके पूर्व भी कई अपराध ये कारित कर चुके हैं, लेकिन छोटे मोटे मामलों में ये शामिल रहे हैं। लोगों ने अभियोग पंजीकृत नहीं कराया गया है, फिर भी जनपद स्तर पर इनके रिकॉर्डों की छानबीन कराई जा रही है। किस तरह चोरी किए थे लोग? ये विवाह समारोहों के दौरान डीजे के सामग्रियों की चोरी करते हैं। कोरोना के खौफ के बीच यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को शहर के 49 केंद्रों पर संपन्न हुई। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी कक्षाओं को पूरी तरह से सैनिटाइज कराया गया, वहीं सुरक्षा के लिहाज से परीक्षा की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जा रही है। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हुई।
इस संबंध में श्रीवंत संवाददाता से बात करते हुए परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने बताया। ये पीटीओ का था सर, अच्छा हुआ, पेपर तो अच्छा हुआ। क्या पूछा गया था, कैसी तैयारी? तैयारी तो सही थी, बस कोरोना की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम लग रही थी, डर लग रहा था कि कहीं हमारे वजह से हमारे परिवार को भी ना हो जाए। सुरक्षा की सही थे, लेकिन कितना भी कर लेगा इंसान, जब इतने क्राउडेड एरिया में कितना भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाएंगे प्रॉब्लम तो आएगी। ठीक, UPSC का था, पेपर मॉडरेट था, ठीक था। कैसी तैयारी थी, क्या सोच के आई थी? सोच के आए थे निकल जाएगा, और निकल जाएगा, अच्छा पेपर आया था। अगर कोरोना की बात करें तो डर लग रहा था, अंदर कैसी सुरक्षा व्यवस्था थी? नहीं, उतना डर नहीं है, अब तो फ्रेंकली हो गए, मतलब फ्रेंडली। क्या क्या आपने साथ रहे थे, सुरक्षा को ध्यान रखते? सैनिटाइजर लाए थे, मास्क लाए थे। अंदर भी कोई व्यवस्था थी? हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग था। समीक्षा अधिकारी का कैसा हुआ मैडम? पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है। तैयारी के लिए बहुत सारा समय मिल गया आप लोगों को? हाँ, तैयारी के लिए तो बहुत समय मिला था, इस वजह से उम्मीद तो ठीक ही है, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा हुआ है। टफ क्वेश्चन वगैरह नहीं, उतना मेरे लिए तो नहीं समझ में आया कि मतलब बहुत को, हाँ कुछ था कंफ्यूजन के लिए, मतलब जिसमें अटक गया गया है, लेकिन फिर भी ठीक था। कोरोना की वजह से बहुत डिले हो गया यार। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मतलब आराम बहुत मिला, जितना तैयारी करने के लिए पूरा समय मिला था। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो, तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9939359081। एक दो तीन चार कोरोना की होगी हार, एक दो तीन चार कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। हाँ हाँ हाँ, दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे, दो गज की दूरी को हर जगह अपनाएंगे। तीसरे सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे, साबुन से बार बार हाथ अपने धोएंगे। चौथी बात सेहत की, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे। जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बार, एक दो तीन चार कोरोना की होगी हार, एक दो तीन चार कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के साथ ही अप मिश्रित शराब के कारोबार के समूचे खात्मे हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर क्षेत्राधिकारी कोतवाली व
एएसपी शशांक सिंह के निर्देशन में राजघाट में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में पंजीकृत शराब माफियाओं की गिरफ्तारी हेतु तिवारीपुर थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित कर मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर में वांछित अभियुक्त वर्मा निषाद बालकेश व दिवेंद्र निषाद को डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। तीनों ही शातिर अपराधियों की पुलिस को सरगर्मी से तलाश थी और इनके खिलाफ स्थानीय थाने में भी कई मुकदमे दर्ज थे। इस संबंध में तिवारीपुर थाने पर पत्रकार वार्ता के दौरान क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह ने बताया के खिलाफ गैंगस्टर का अभियोग थाना राजघाट पर पंजीकृत किया गया था। आज सुबह थानाध्यक्ष तिवारीपुर एवं उनकी पुलिस द्वारा इन सातिर माफियाओं को पकड़ा गया है। इनका मुख्य धंधा नौशादर यूरिया की मिलावट करके कच्ची शराब तैयार करना और उसकी बिक्री करना था और बड़े पैमाने पर इनकी भट्टियाँ नाजायज तरीके से नदियों के किनारे नालों में चला करती थी। इसके पूर्व भी इनका कई आपराधिक इतिहास है और इनको गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया था और गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत था जिसमें ये आज पकड़े गए हैं और इनके संपत्ति जो भी अर्जित इन्होंने किया है ये शराब अवैध शराब बेच करके इसको भी जब्त करने की कार्रवाई 3 दिवस के अंदर ही सुनिश्चित की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी कैंट के नेतृत्व में कोराबार थाने की पुलिस ने सूचना पर चोरी की गई पल्सर मोटरसाइकिल के साथ शातिर चोर कोराबार के रहने वाले अजय गुप्ता को देवरिया बाईपास रोड से गिरफ्तार किया है। वहीं अभियुक्त के पास से पुलिस ने एक अदद देसी तमंचा 315 बोर की जिंदा कारतूस को भी बरामद किया है। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।